everyone. So today we're going to talk about force, work and energy. Yes, हम थोड़ा सा उसका बेसिक्स पढ़ेंगे, ठीक है, और फिर आके जाके जब आपको पूरा अच्छे से समझ आ जाएगा कि फोर्स क्या होता है, एनर्जीज क्या होती हैं और वर्क क्या होता है, तो आपको पक्का पक्का आप जब भी कभी भी आगे आपका नया सेशन आने वाला है, राइट, आप कभी भी ये चैप्टर पढ़ोगे ना, आपको याद रहेगा मैम ने बेसिक्स उसके पढ़ा दिए थे एंड यू विल बी एबल टू यू नो अंडरस्टैंड ऑल दी टॉपिक्स, राइट. सो हम इसकी बात करते हैं आज, ठीक है, बिल्कुल करते हैं. एंड ऑल्सो हैप्पी होली टू एवरी वन. यस, लेट्स स्टार्ट. ओके, यस. तो मेरा जो पिछला सेशन था, मेरा था जर्नल साइंस पे, हमने क्विज लिया था बहुत बड़ा, ठीक है, एंड हमने संडे काफ़ी मस्ती करी थी उसके ऊपर, ठीक है. सो वी टॉक्ड अबाउट ऑल दी जर्नल साइंस क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहे थे. उससे पहले हमने बात करी थी लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर की, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर की, राइट. सो इफ़ यू हैवंट वॉच्ड इट, आप जाइए रिकॉर्डिंग देखिए, ठीक है. आपको प्लेलिस्ट में स्मृति मैम की सारी मिल जाएंगी, ठीक है, स्मृति राणा नाम से इफ़ यू सर्च इट, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी स्मृति मैम की, राइट. तो अगर आप जाओगे आपको प्लेलिस्ट सारी की सारी वीडियोस मिल जाएगी, कोई चिंता की बात नहीं. अगर आपने लाइव नहीं देखा तो आप रिकॉर्डिंग देख लो, कोई बात नहीं. एंड यू मेक योर नोट्स, ठीक है. फेस्टिवल ठीक है, पर उसके बाद पढ़ाई करनी है. एंड ऑल्सो आपका नया सेशन शुरू हो रहा है, आई नो थोड़ा सा ब्रेक चाहिए थोड़ा, ओके, बट उसके बाद सीधे पढ़ाई, राइट. चलो, एंड ये मेरा लास्ट सेशन था, ये सारे मेरे लास्ट टू लास्ट सेशन थे. अगर आपसे मिस हो गया हो तो देख लो, कोई नहीं, ठीक है, ओके. नेक्स्ट है मेरा इंट्रोडक्शन. माय नेम इज स्मृति राणा. एवरीबडी नोज मी अभी तक तो फिलहाल, बट अगर कोई नया बच्चा इसको नहीं पता, क्योंकि अभी नए बच्चे आएंगे और जिनको नहीं पता मैम के बारे में, सो यस, माय नेम इज स्मृति एंड आई हैव डन माय मास्टर्स फ्रॉम जामिया हमदर्द एंड माय बैचलर्स फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी. सो यस, काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका है बच्चों को पढ़ा पढ़ा के. एंड दिस इज माय कोड, SMRANA, ठीक है, SMRANA इज माय कोड. If you want to unlock anything on Unacademy and if they ask you to enter a code, you can use this code SMRANA. And also ये code क्या कर सकता है to get you 10% discount on any subscription you want. ठीक है, आपको कोई भी subscription चाहिए, you can get 10% discount on that subscription by using my code. That is SMRANA. Okay, so let's move on. Or this is my YouTube schedule. Unacademy 6 में I come at 3 PM. Everyone knows that, right? I know. आप मेरे को अभी फिलहाल लाइव कैश नहीं कर रहे होगे, but yes, मेरी ऑलमोस्ट सारी लाइव होती हैं Unacademy 6 में. एंड अनलर्न 6 to 8 में मैं 10 AM आती हूँ मंडे टू फ्राइडे, मीन्स वीक डेज में. और अनलर्न में ही मैं वीकेंड्स में 7 PM आती हूँ, ठीक है. सो दीज आर ऑल माई टाइमिंग्स फॉर डिफरेंट चैनल्स. एंड ऑल्सो टेलीग्राम में अगर आप अभी तक नहीं आए, अगर आप नहीं पता रहे हैं वहाँ तक, तो कोई चिंता की बात नहीं है. आप सारी अपडेट्स आपको मिल सकती है टेलीग्राम ग्रुप से. आप टीम से इंटरेक्ट कर सकते हो, और आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी सजेशन है, इन शेयर दैट विद द टीम. बट हाँ, टेलीग्राम में आना, ज़रूर आना, ठीक है. आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा उसके लिए, और फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना लिंक दे रखा होता है, उस लिंक को क्लिक करोगे, यू विल, आपको सीधे डायरेक्ट कर दिया जाएगा ज्वाइन द ग्रुप. उसके बाद आप ज्वाइन कर लो ग्रुप को, और उसके बाद आपको सारी अपडेट्स मिल जाएंगी, जो भी मेरे सेशन की होंगी, जो भी किसी भी एजुकेटर की होंगी, यू कैन गेट दैट, ठीक है. कहाँ से? टेलीग्राम से, ओके. चलो, नेक्स्ट है हमारा आस्क आउट फीचर. आस्क आउट फीचर अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता दूं, आस्क आउट फीचर क्या होगा. आपका Unacademy लर्निंग ऐप में आपको जाना है, और आपको ये फीचर देखना है कहाँ पर है, आपको मिल जाएगा. मैं भी आपको दिखाती हूँ. आस्क आउट फीचर जैसे आप करते हो क्लिक, तो आपको ये आस्क आउट, ये ग्रीन बटन दिख रहा है आपको, यस, ये जो ग्रीन बटन है यहाँ पर, एक मिनट में कलर चेंज करने दो. जो ग्रीन बटन है किस लिए है, आप जैसे इसको दबाओगे तो आपका ये खुल जाएगा. अब इसमें आपको बोल रहा है टेक अ पिक्चर, चूज फ्रॉम गैलरी. तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो भी किसी भी क्वेश्चन में या कुछ भी आपको क्यूरियोसिटी है, कुछ भी क्वेश्चन है, आपको वो क्वेश्चन लेना है, आपको उसकी फोटो लेनी है और उसको क्रॉप कर देना है उस सिंगल क्वेश्चन को. कोशिश करो कि 2-3 क्वेश्चन आप एक बारी में ना भेजो, एक बारी में एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे करके भेजो, ताकि आपको क्लियर वीडियो सोल्यूशन मिल सके उस पर्टिकुलर डाउट का. जब आपने उसको क्रॉप किया, फोटो सेंड कर दी, उसके बाद यू हैव टू टेल देम कि कौन से सब्जेक्ट का डाउट है वो, वेदर इट्स फ्रॉम मैथ्स और साइंस, जो भी सब्जेक्ट है आपको मेंशन करना पड़ेगा. उसके बाद क्या होगा, जब आप वो मेंशन कर दोगे, उसके बाद आपको फटाफट वीडियो सोल्यूशन मिल जाता है, उसी चीज़ का मिल जाता है आपको वीडियो सोल्यूशन. तो जो भी सोल्यूशन है आपके डाउट का, उसके साथ वो वीडियो फॉर्मेट में आपको दिया जाता है डाउट का, और पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है. सो दिस इज द टीचर आस्कड आउट ऑन अनअकैडमी लर्निंग ऐप. ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ दबाना है और अपना डाउट्स पूछने हैं. यस, अगर आप एटलीस्ट 7 डाउट्स पूछ लेते हो, सिर्फ 7 डाउट्स एटलीस्ट बोला है मैंने, तो आपको फ्री अनअकैडमी क्रिएटिव कॉर्नर सब्सक्रिप्शन मिलता है, वो भी 1 महीने के लिए. यस, आपको 1 महीने के लिए क्रिएटिव कॉर्नर सब्सक्रिप्शन मिलता है. याद रखना कि ये चीज सिर्फ और सिर्फ 29 मार्च तक वैलिड है. ठीक है, फ्री यूजर्स के लिए 29 मार्च तक. और ये जो क्रिएटिव कॉर्नर है आपकी क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए है. बाई चांस आपको पढ़ाई के अलावा और भी कहीं इंटरेस्ट है, सो मैजिक, ऐप क्रिएशन, गेम, ट्रिक्स, रोबोट मेकिंग, कोडिंग, आप जो करोगे ना, जो भी आपको मन है, आप वो क्लास अटेंड कर सकते हो. एंड ये सब कहाँ होता है? आपको क्रिएटिव कॉर्नर में. तो क्रिएटिव कॉर्नर का सब्सक्रिप्शन आपको 1 महीने के लिए फ्री मिल रहा है अगर आप सिर्फ इस फीचर से 7 डाउट्स पूछ लेते हैं. बट याद रखना, दिस इज ओनली वैलिड टिल 29th of March. राइट, ओके, सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जाओ, अपने डाउट्स पूछो सारे के सारे. यस, एंड ऑल्सो फीनिक्स 2.0 प्रोग्राम इज देयर. आपको लगता है अगर कोई यहाँ पर टॉप एजुकेटर बन सकता है जिसको प्रॉपर ट्रेनिंग देने के बाद, प्रॉपर रिसोर्सेज देने के बाद अनअकैडमी की तरफ से, वो यहाँ पर टॉप एजुकेटर्स बन सकते हैं, तो आप उनको ये जरूर बताना कि देयर इज वन फीनिक्स 2.0 प्रोग्राम स्टार्टेड बाय अनअकैडमी, जो कि खुद एजुकेटर्स को पूरा ग्रूम करके अच्छे से उनको यहाँ पर टॉप पोजिशन में पहुँचाते हैं. और उन्हें क्या करना है यहाँ पर एंटर करने के लिए? दे हैव टू फिल अ फॉर्म इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जो कि दे रखा होगा मैम के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. उनको ये एप्लीकेशन फॉर्म भरना है एंड देन द टीम विल कॉन्टैक्ट देम. ठीक है, जैसे उनको लगेगा एप्लीकेशन मिल जाएगी तो दे विल कॉन्टैक्ट देम. ओके, सो डू नॉट फॉरगेट टू टेल देम अबाउट द फीनिक्स 2.0 प्रोग्राम. ओके, तो हम आज शुरू करने वाले हैं अबाउट आवर वर्क. बहुत काम होता है दिन में, बहुत ज़्यादा, क्या बताऊँ मैं. ठीक है, सो यस, बहुत काम होता है हमें. और वर्क होता क्या है एक्चुअली, लाइक साइंस की फील्ड में सब वर्क क्या है? आई नो दिस इज समथिंग न्यू फॉर यू. अगर इफ यू आर इन क्लास 6 और यू आर गोइंग टू गो इन क्लास 6 और यू आर गोइंग टू 7th class, वट एवर इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. सो वर्क होता क्या है? जब whenever you use some kind of force, आप अपने हाथ से, लेग्स से, कहीं से भी, यू आर पुशिंग समथिंग और पुलिंग समथिंग. हम ऑलरेडी जानते हैं कि फोर्स की डेफिनेशन क्या होती है, पुश और पुल. whether you're doing this or this, right? You're pulling something or you're pushing something. That is known as force. And अगर आप यही force किसी object को हिलाने में, किसी object को यहाँ से वहाँ पहुँचाने में लगाते हैं, so it means कि आप क्या कर रहे हो? काम. जो कि आजकल के बच्चे करते हैं, कभी नहीं करते हैं. I know, मैं उनमें से हूँ. But I'm saying कि वो work कब होगा? Work done कब होगा? When you're putting some force to move that object. To move that object, right? So you're putting some work, extra force to do that work. Okay. So when a force acts on an object, जब हम force लगाते हैं and it is acting on an object, right? It shows the displacement. वो displace हो जाता है अपनी जगह से. यहाँ पर था और मैंने उठा के उसको यहाँ रख दिया. तो मैंने अपनी force लगाई उस object को हिलाने में, right? और एक place से वो दूसरी place में जाके चला गया. तो मैंने अपना काम कर दिया. वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो गया अपनी पोजीशन से और मैंने ये काम कैसे किया? फोर्स लगा के. तो यही आपकी डेफिनेशन में लिखा है. व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट शोज डिस्प्लेसमेंट एंड द फोर्स हैज डन वर्क ऑन द ऑब्जेक्ट एंड द फोर्स हैज डन सम काइंड ऑफ वर्क ऑन दैट ऑब्जेक्ट बाय डिस्प्लेसिंग इट फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर. पोजीशन कोई भी हो सकती है, बट जस्ट वन एंड सेकेंड पोजीशन चेंज तो हुआ होगा कुछ ना कुछ. अब आई नो आप बोल रहे होगे मैम कई बार ऐसा भी तो होता है चीजें हिलती नहीं हमसे तब. यस, चलो मान लो लाइक दिस, फॉर सपोज दिस इज द वॉल एंड आई एम यू नो पुशिंग इट, ऐसे कर रही हूँ मैं, बट ये मूव ही नहीं कर रहा है यार. ये मूव क्यों नहीं कर रही है वॉल? ये मूव इसलिए नहीं कर रही वॉल बिकॉज इस पर कितनी भी जान लगा दूँ वो इतना सॉलिड है कि वो हिलेगा ही नहीं अपनी पोजिशन से. इट इज़ वेरी हार्ड. ऐसा थोड़ी कि मैं दुनिया में हर चीज़ बाहुबली थोड़ी मैं कि हर चीज़ उठा लूँगी और हर चीज़ जो तुम बोलोगे मैं उठा लूँगी. मेरी कैपेसिटी के हिसाब से मैं चीज़ें कर सकती हूँ, कैपेसिटी के हिसाब से मैं चीज़ें हिला सकती हूँ. तो आप समझ रहे हो ना मैं कहाँ जा रही हूँ? मैं वर्क के फॉर्मूला में जा रही हूँ कि किन दो फैक्टर्स पे फर्क पड़ता है वर्क का. तो अगर मैं वॉल्स को पुश करूँगी और मेरी कैपेसिटी नहीं है कि मैं इतना लाइक वॉल को हिला दूँ. अगर आप बारबी डॉल बोलोगे तो मैं कर लूँगी, बट अपने घर की वॉल्स मैं नहीं हिला सकती, राइट तो उसमें क्या होगा? आपका वर्क डन जीरो हो जाएगा. आपने फोर्स तो लगाई, आपने फोर्स लगाई पक्का लगाई, बट उसमें हुआ क्या, आपका वर्क डन कुछ नहीं हुआ, कुछ वर्क डन नहीं हुआ, इट वाज जीरो, क्योंकि फोर्स के साथ साथ आपकी डिस्प्लेस तो हुआ ही नहीं। आपने फोर्स लगाया, ये बात सच है कि आपने क्या किया, फोर्स लगाया, बट उसके साथ रिजल्ट भी तो मिलना चाहिए था ना। आपने फोर्स लगाया वॉल पे, मान लो दिस इज द वॉल, आप फोर्स लगा रहे हो यहाँ से, और ये डिस्प्लेस नहीं हुई, ये वॉल खिसकी नहीं, तो इट मीन्स आपने फोर्स तो लगाया बट ये चीज डिस्प्लेस नहीं हुई है। जो हिलने का, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन की बात कर रही हूँ मैं, ये डिस्प्लेस नहीं हुई, तो इट मीन्स आपने फोर्स लगाया पर दूसरी चीज हिली नहीं, डिस्प्लेस नहीं हुई, तो इट मीन्स वर्क डन इज जीरो। अगर कोई भी चीज आपकी जीरो हो रही है इन दोनों में से, फोर्स या डिस्प्लेसमेंट से, तो वो पूरा का पूरा वर्क डन जीरो हो जाएगा। तो आप समझ रहे हो कि हम कहाँ को जा रहे हैं, कि वर्क डन दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, एक आपने जो फोर्स लगाया और एक जो आपका डिस्प्लेसमेंट हुई है उस ऑब्जेक्ट की। ठीक है, तो दीज आर द टू फैक्टर्स जिसमें आपका वर्क डन, जो भी वर्क डन है पूरे उसका, उस पर डिपेंड करता है। लेट्स सी, दे आर द टू कंडीशन नीड टू बी सैटिस्फाइड विद द वर्क टू बी डन। फोर्स शुड एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस्ड। जैसे हमने बात करी कि सबसे पहले तो आपके पास फोर्स लगाने लायक चीज होनी चाहिए, सोर्स होना चाहिए। अब मैं अपने हाथों से लगा रही हूँ, जहां से भी लगा रही हूँ, पहली चीज तो वही होती है, राइट। सबसे पहली चीज होती है आपकी फोर्स। सेकेंड चीज होती है आपकी कि कोई ऑब्जेक्ट जिसपे आप फोर्स लगा रहे हो, जिसपे फोर्स एक्ट कर रही है, वो डिस्प्लेस तो हो, हिले तो सही, राइट। तो दो चीजों पे फर्क पड़ रहा है, एक डिस्प्लेसमेंट, वी विल टॉक अबाउट डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस क्या होता है, बट फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड कि दो कंडीशंस क्या है जो इस पे वर्क डिपेंड करता है, दैट इज फोर्स एंड इट इज डिस्प्लेसमेंट। वो डिस्प्लेस होना चाहिए एक जगह से दूसरी जगह पे, इट मीन्स कि कुछ ना कुछ रिलेशन तो है ही। अब वो फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला है हमारा वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब कुछ रिलेशन तो होना चाहिए। जब भी मैं ऐसा पूछूं व्हाट आर द टू कंडीशंस दैट्स में वर्क डिपेंड करता है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एंड वर्क, तो आपको कुछ नहीं करना, आपने फॉर्मूला पे जाना है। हमेशा बोलते हो अगर आपको डेफिनेशन भूल जाओ, यूनिट भूल जाओ, फैक्टर्स भूल जाओ, सबसे पहले हमें क्या देखना है फिजिक्स में, उसका फॉर्मूला, उस टर्म का फॉर्मूला। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ आपका, फोर्स हमें पता है न्यूटन होता है, डिस्प्लेसमेंट इज डिस्टेंस ओनली, इधर से उधर खिसका है, राइट, दैट इज न्यूटन मीटर, वर्क इज न्यूटन मीटर फॉर्मूला के हिसाब से, राइट। तो वैसे हम वर्क को जोल्स में काउंट करते हैं, बट आई एम सेइंग कि आप फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो, इट इज रिटन हियर, राइट। सो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का इनटू करके वर्क। अब जो मैं आपको बोल रही थी ना कि आपने वॉल पे धक्का मारा, आपने वॉल को धक्का मारा बट वॉल हिली नहीं, तो इसीलिए हुआ क्योंकि उसमें डिस्प्लेसमेंट जीरो थी, वॉल हिली तो है नहीं। अब जीरो का मल्टीप्लाई करोगे, कितनी भी फोर्स लगाई है आपने, 240 न्यूटन लगा लो, 240 न्यूटन लगाई है आपने अपनी जान, और वो वॉल हिली नहीं, तो भाई जीरो ही तो हो गया, वर्क डन जीरो हो गया ना आपका। फिर वर्क डन क्या हो गया, जीरो। तो दीज आर द टू कंडीशन, दोनों सेटिस्फाई होनी चाहिए तभी हम कहेंगे कि हाँ आपने वर्क कर लिया, तब मैं कहूँगी वर्क हो गया। ठीक है, सो ये दोनों सेटिस्फाई होनी चाहिए बिकॉज दे आर इन मल्टीप्लीकेशन। एक जीरो जाएगा तो दूसरा तो जीरो उसने कर देना है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मल्टीप्लाई होते ही जीरो का, तो पूरी अमाउंट जो वर्क डन की वो फॉर्मूला में जीरो हो जाएगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि आपने जान तो लगाई बट काम हुआ नहीं, ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हुआ नहीं, और आपका वर्क डन क्या हो गया, जीरो। Now let's see कि यूनिट जोल्स क्यों है। पहली बात तो, ओके लेट मी चूज हाईलाइटर। तो यस, आपकी फोर्स का क्या होता है, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन्स, जिसको हम लिखते क्या है, एन, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आपका, मीटर्स, इट इज लाइक डिस्टेंस, राइट। तो इसकी भी ऐसा यूनिट मीटर्स ही है। अब दोनों को करते हैं, वो दोनों को करते हैं मल्टीप्लाई, इसका होगा न्यूटन और इसका होगा मीटर्स, तो हम क्या लिखेंगे, न्यूटन मीटर इज यूनिट ऑफ वर्क डन, यूनिट ऑफ वर्क डन, न्यूटन मीटर। कहाँ से निकाला मैंने, फॉर्मूला से, राइट। तो इसका निकल गया न्यूटन मीटर, आई मीन स्मॉल एम, सॉरी स्मॉल एम। ठीक है, लेट मी रब दिस, स्मॉल एम, राइट, ओके। सो यूनिट ऑफ वर्क डन हमारी डन है, बट फिर भी वी ऑलवेज से कि नॉर्मली जो आपका कॉमन है ना वो जोल्स है, जोल्स में नामा जाता है। एनर्जी और वर्क को दोनों की यूनिट सेम है, इट इज जोल्स, बट हमेशा ऐसा होता है ना, सिर्फ फोर्स की भी तो यार न्यूटन होती है, क्योंकि साइंटिस्ट न्यूटन ही थे, तो एक साइंटिस्ट के नाम पे होता है, एक फॉर्मूला से निकलता है, जैसे एम ए है फोर्स का। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फोर्स? फॉर्मूला ऑफ फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता है आपका वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो ये जो एम ए है, अब मैं आपको बता देती हूँ, बस हिंट दे रही हूँ, मास का होता है केजीस, और एक्सेलरेशन यूनिट मैं बता देती हूँ, मास मीटर इनटू मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर होता है एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये टोटल हो गई ना आपकी फोर्स की यूनिट, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। इट मींस कि ये सब तो ठीक है, ये सब तो ठीक है, बट हम इजीली क्या बोलते हैं कि यार फोर्स की यार न्यूटन ही सही है, फोर्स की न्यूटन ही सही है, दैट इज कैपिटल एन, वही सही है, इजी पड़ता है। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर कौन लिखेगा, बट मैं वो गलत नहीं होगा, बिकॉज फॉर्मूला वही होगा और 1 न्यूटन का मीनिंग भी वही होगा, समझ रहे हो तुम। दोनों यूनिट में यूज कर सकते हो, दोनों इक्वल है, साथ साथ चलेंगे। ऐसे यहाँ पर भी 1 जूल विल बी इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर जो आपने निकाली है, तो दे आर बोथ सेम, तो यू कैन यूज एनी वन। और मोस्टली क्या यूज था, जोल, जिसको हम लिखते कैसे है, जे, ठीक है। These are the units and all the formulas and everything, right? Okay. चल, let's move on. So yes, we have work and energy now. अब हमने वर्क की बात कर ली, ठीक है, हम बहुत काम करते हैं दिन में, ओके वर्क की बात कर ली हमने, देख लिया कि वर्क 2 चीजों पे डिपेंड करता है, दैट इज फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। Now let's talk about your energy. Energy is the ability to do work. Now what is the difference between work and energy and why we use the same unit for both? We use the same unit for both, एनर्जी के लिए भी और वर्क के लिए भी। अब एनर्जी की डेफिनेशन में वर्क है। अब आप एनर्जी होती कितनी जान लगा के आपने कोई चीज करी होती है, हम ऐसे ही बोलते हैं ना अपने नॉर्मल लैंग्वेज में, कितनी जान लगा के आपने वो चीज करी, कितनी जान लगा के आपने वो काम करवाया, दैट इज योर एनर्जी। द एबिलिटी टू डू द वर्क इज योर एनर्जी, ठीक है। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एनर्जी? It is the ability of a person, of an object, or anything to do the work. That is your energy, right? Okay. So let's move on. And what are the factors affecting the work? अगर by chance आपसे question पूछा जाता है कभी भी, ठीक है, कि what are the factors यार बताओ, तो आपको कुछ नहीं करना, मैंने बताया आपको हमेशा formula देखना है, हमेशा आपको formula देखना है, ठीक है, हमेशा आपको फॉर्मूला देखना है। देन यू हैव टू सी कि वो फॉर्मूला था क्या फोर्स, तो मतलब एक फैक्टर, तो फर्स्ट फैक्टर ये हो गया और सेकंड फैक्टर आपका ये हो गया, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी विच आई विल टेल यू, डोंट वरी, अभी मैं डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस बताऊंगी। और फोर्स आपका जो फोर्स होता है, जो आपने फोर्स लगाई है उस चीज को मूव करने के लिए, वर्क करवाने के लिए, वो आपकी फोर्स हो गई। तो फोर्स इज अ पुश और अ पुल, let me choose the highlighter, is a push or a pull that can cause any object with a mass to change its velocity and acceleration, and is a vector quantity, its magnitude, direction, everything is zero with respect to the irrespective of the state, and the work done is zero, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी, that is the first thing। And displacement में क्या है, displacement में आपका displacement is a vector quantity। Let's talk about vector and scalar first, and then we'll move on to the displacement and distance, ठीक है। यस, मैं यही लिख देती हूँ, रुको। ओके, लेट्स सी कि आपका सिंपल मैंने बताया, व्हाट इज स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। ध्यान से सुनना, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी में क्या फर्क होता है। स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी में ये फर्क होता है कि स्केलर क्वांटिटी में आपका सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात की जाती है ना। व्हाट इज मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड इज योर वैल्यू, मैग्नीट्यूड इज योर वैल्यू, जो भी अमाउंट है उसकी बात करी जाती है, ठीक है, जो भी मैग्नीट्यूड है उसकी वैल्यू की बात की। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे क्या बोलते हैं 50 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से जा रही हूँ मैं, या स्पीड, तो उसमें वैल्यू मैग्नीट्यूड क्या है, इसमें मैग्नीट्यूड पता क्या होगा, यूनिट ऑफ मैग्नीट्यूड होता है ना, दिस इज योर वैल्यू विच इज नोन एज मैग्नीट्यूड एंड दिस इज योर यूनिट फॉर द स्पीड। तो यूनिट तो लगानी पड़ती है, बिना उसके मेजर कैसे करूंगी, तो मैग्नीट्यूड वैल्यू जो है आपकी और यूनिट को मिला के क्वांटिटी को डिफाइन किया जाता है, क्वांटिटी को डिफाइन किया जाता है। तो मैग्नीट्यूड इज योर वैल्यू, ठीक है, मैग्नीट्यूड इज योर वैल्यू। लेट्स टॉक अबाउट योर मैग्नीट्यूड हो गया। अब स्केलर क्वांटिटी की हमने बात कर ली कि ठीक है उसमें मैग्नीट्यूड होता है। अब लेट्स टॉक अबाउट योर वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी में आपका क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी में आपका होता है मैग्नीट्यूड के साथ साथ वी हैव डायरेक्शन, वी हैव डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड होता है आपका, वैल्यू भी होगा और साथ में क्या होगा आपका डायरेक्शन भी, ठीक है, साथ में आपका होगा डायरेक्शन। सो इट मीन्स कि जब मैं बोल रही होंगी 50 किलोमीटर पर आवर, तो मैं साथ में बोलूंगी कि नॉट डायरेक्शन में ऐसा कुछ डायरेक्शन दे दूंगी, तो दैट विल बी वेक्टर क्वांटिटी। जब डायरेक्शन ऐड करते हो आप, डायरेक्शन ऐड करने पे वो वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है। अब देखो दुनिया में बहुत सारी क्वांटिटीज है, दुनिया में बहुत सारी क्वांटिटीज है, और वी हैव टू डिवाइड देम बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। या तो आप वैल्यू की बात करते हो सिर्फ, या तो आप मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन की भी बात करते हो। तो हम अब जितनी क्वांटिटीज पढ़ेंगे ना, उनको स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज में बांट दिया जाएगा, तो इसकी टीम में तो उसकी टीम में। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ वैल्यू की बात करती हूँ और डायरेक्शन की इतनी जरूरत नहीं पड़ती उन क्वांटिटीज में, तो वी से कि दैट इज योर स्केलर क्वांटिटी। एंड इफ आई टॉक अबाउट डायरेक्शन एज वेल एज द मैग्नीट्यूड, दैट इज द वैल्यू of the quantity, then I say कि it is a vector quantity। अब आपको समझ आ गया, चलो ये क्लियर। तो yes, मेरे राइट में लिखा है वर्क एंड एनर्जी, तो वर्क डन इज अ प्रोडक्ट, एज प्रोडक्ट पता ही हमें किसका प्रोडक्ट है, वो द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये फॉर्मूला है। एंड वर्क एनर्जी ऑफ बोथ, और वर्क और एनर्जी बोथ आर मेजर्ड इन joules, तो हम जे लिखते हैं, दिस इज द यूनिट, ठीक है, रिमेंबर दिस। अब हम चलते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो बेसिकली आई हैव टू डिस्कस दिस कि क्या है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्यों बोल रही हूँ अब मैं। तो लेट मी ड्रिंक सम वाटर पहले, ठीक है, ओके। ध्यान से सुनना, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में ये फर्क है कि जब आप चल के जाते हो या कैसे भी जाते हो, एक डिस्टेंस मान लो ये आपका घर है और ये आपका स्कूल है, मतलब आपका जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो आपका स्कूल है, फाइनल डेस्टिनेशन, और ये है आपका इनिशियल जो जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लाइक स्टार्टिंग पॉइंट। आप जब यहाँ से चालू हुए हो, जब आप चालू हुए यहाँ से, तो मान लो 2-3 रास्ते थे। अब से मैप्स में हमें क्या दिखाते हैं कि कौन सा ज्यादा सही है जिससे आप जल्दी पहुंच जाओगे। तो मान लेते यहाँ से आप जल्दी पहुंच सकते थे, बट आपने फिर भी ना ब्लैक वाली लाइन चूज करी, ये वाली लाइन। अब घूम के जाना था स्कूल, जैसे हम करते थे, आपको क्या करना था, घूम के जाना है, ठीक है। तो लेट्स से आपको घूम के जाना है और मैंने इसको हाईलाइट कर दिया कि नहीं मेरे को तो यहाँ से जाना है और ऐसे ऐसे पहुँचूंगी मैं स्कूल, ठीक है भाई। बट इससे आपको क्या हुआ, आपको टाइम ज़्यादा लगा, इससे क्या हुआ आपको टाइम ज़्यादा लगा है। मान लो दिस इज T1 और यहाँ टाइम लगता है T2, तो T1 ज़्यादा लग रहा है आपको T2, दूसरे टाइम से आपको क्या हो रहा है, टाइम 1 में ज़्यादा लग रहा है। अब करूंगी कि नहीं, मेरे को टाइम लगेगा, कोई नहीं, मैं लेट हो जाऊंगी स्कूल के लिए, पर फिर भी मैं पार्ट टू चूज करूंगी। इसको मैं मान लेती हूँ पार्ट टू, दिस पार्ट टू एंड दिस इज पार्ट वन, राइट। तो मैं मान लेती हूँ कि पार्ट टू जो है आपका बहुत लंबा है और पार्ट वन आपका सीधा जा रहा था, फिर भी आपने चूज नहीं किया। तो अब मैं बताती हूँ कि मान लो कि आप क्या हुआ, आप गए इससे, तो जितना भी मान लो ये 6 किलोमीटर और ये पड़ रहा है आपको कुछ 5.5 किलोमीटर, और आपने ये चूज किया जो आपका फर्स्ट पाथ था और जो सेकंड पाथ, होम से स्कूल तक। तो सिंपल सी बात है कि आपने 6 किलोमीटर वाली जगह चूज करी तो उसको आपको टाइम भी ज्यादा लगेगा, ज्यादा डिस्टेंस कवर करने के लिए। तो दिस इज द एक्चुअल डिस्टेंस जो आपने कवर किया, जितना भी किया हो, जितना भी घूम के आए हो आप इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक, उसे हम कहते हैं डिस्टेंस। उससे हम कहते हैं डिस्टेंस। जो एक्चुअल किलोमीटर्स आपने ट्रैवल किया, चाहे वो शॉर्ट हो, चाहे वो लंबा हो, चाहे आप यहाँ से गए या कहीं से भी गए, दैट इज योर एक्चुअल डिस्टेंस। जितना भी आपने ट्रैवल किया है उसे हम कहते हैं डिस्टेंस। वो कभी जीरो नहीं हो सकता। अगर वो जीरो हो गया डिस्टेंस तो इट मीन्स कि आप चले ही नहीं हो, नेगेटिव तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है। अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ, मतलब डिस्टेंस को ही बोल रहे हैं बट दूसरा नाम दे दें कि इसको शॉर्टेस्ट पाथ हो आपके फर्स्ट पॉइंट से बी पॉइंट तक। तो डिस्प्लेसमेंट, अब इसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मान लो आपको नहीं पता था कि ब्लू वाली लाइन है, आपको नहीं पता था, बट बाद में आपको पता चला यार मैं यहाँ से आती तो यार जल्दी पहुंच जाती यहाँ से, दैट इज 5.5 किलोमीटर, मेरे को थोड़ा टाइम कम लगता। तो दिस इज नोन एज योर डिस्प्लेसमेंट। अब आप पूछोगे कि मैम ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ए से बी पॉइंट तक, हम समझ गए कि ये आपका शॉर्टेस्ट है, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट। पर आप ये बताओ अगर मैं ब्लू पाथ से आती, मैं इतने लंबे पाथ से आती नहीं, तो तब आपके इस केस में क्या होता है, आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो जाता फिर, मतलब और कोई अगर शॉर्टेस्ट पाथ नहीं है ना, तो आपका डिस्टेंस जितना आपने कवर किया है और जो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से ही कवर किया अगर आपने, जो कि था 5.5 किलोमीटर मैंने मान के चली थी, अगर यही आपका डिस्प्लेसमेंट और यही आपका डिस्टेंस है, मतलब और कोई शॉर्टेस्ट पाथ नहीं निकल रहा, अगर आपको पता है यहाँ से यहाँ जाने में एक ही पाथ है, तो यही डिस्टेंस होगा आपका और यही डिस्प्लेसमेंट होगा जो कि 5.5, ठीक है। बिकॉज डिस्टेंस मीन्स जितना भी आपने कवर किया, चाहे आपने शॉर्ट कवर किया, लॉन्ग पाथ कवर किया, फर्क नहीं पड़ता, डिस्टेंस वही है। बट डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ, अगर वहां पर है तो, अगर है तो ना। अब चलो लेट्स सी इफ आई टॉक अबाउट अ सर्कल, आप यहां से शुरू हुए और यहीं पर खत्म हो गए, तो आपका इनिशियल पॉइंट भी एंड आपका फाइनल पॉइंट भी सेम हुआ, राइट। आपका इनिशियल और फाइनल क्या हुआ, सेम। आपका इनिशियल भी और आपका फाइनल भी सेम पॉइंट ओवरलैप कर गया, मतलब आप घर से गए और पूरा राउंड मार के घर पे ही आ गए, कहीं रुके नहीं, मतलब आपका इनिशियल भी शुरुआत में और जो खत्म हुआ है वो पॉइंट सेम हो गया। तो इट मीन्स कि जो आपने ये जो करा है उसमें अब आपका कोई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं बचा, डिस्प्लेसमेंट नहीं बचा, डिस्टेंस तो पूरा हो गया। इसका सर्कमफ्रेंस मान लो है 15 किलोमीटर, तो वो तो आपको डिस्टेंस तो निकल गया 15 किलोमीटर, जो भी एक्चुअल पाथ है वो तो आपका निकल ही गया। बट इफ आई टॉक अबाउट कि इसमें, इस पॉइंट में व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों ओवरलैप कर गए एक दूसरे पे, मतलब जहां से शुरू हुए वहीं खत्म हो गए। तो इस केस में देयर इज नो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये डिस्टेंस तो बीच में होना चाहिए था ना कुछ शॉर्टेस्ट, अब एक के ऊपर एक ओवरलैप हो गया है, इट मीन्स डिस्प्लेसमेंट जो शॉर्टेस्ट पाथ मैंने लेना था वो अब है ही नहीं, जिसके लिए मैंने डिस्प्लेसमेंट अलग टर्म बनाई थी वो है ही नहीं, इट मीन्स यहाँ जीरो होगा। बट डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस अगर मैं मान रही हूँ कि पूरा सर्कमफ्रेंस 16 किलोमीटर है, तो डिस्टेंस जो भी एक्चुअल पाथ होता है उसको कहते हैं, ठीक है, जो हम नॉर्मली यूज करते हैं। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। तो डिस्टेंस आपका क्या है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करी जाती है, तो स्केलर है, ठीक है, ओनली मैग्नीट्यूड इज है। If I talk about displacement, it is a vector quantity. We talk about the magnitude, plus direction. Yeah, plus direction. चलो भाई ये हो गया। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एनर्जी की ना। देयर लॉट्स ऑफ एनर्जी। और मैं ना जो मेन है आपकी 5-6 जो मेन एनर्जीज उनकी बात करेंगे, बट मैं आपको दिखाना चाहती थी कि कितनी डिफरेंट टाइप्स की एनर्जीज है। वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट टाइप्स ऑफ फोर्सेस, सो आई एम नॉट गोइंग टू फोकस ऑन दैट फर्स्ट। आई विल टॉक अबाउट वर्क एंड एनर्जी फर्स्ट। सो यस, मैकेनिकल एनर्जी जो हमें पता ही है, वर्क जो दिखता है हमें मोटर्स का सब, वो मैकेनिकल एनर्जी होती है। आपकी थर्मल एनर्जी होती है जो हीट से रिलेटेड होती है। देन वी हैव न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है, मस्त न्यूक्लियर एनर्जी जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स और सब वो न्यूक्लियर एनर्जी से बनता है, उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। सारे प्लांट्स लगे हुए होते हैं, उसमें रेडियो एक्टिव चीज़ें एटम्स आपकी प्रेजेंट होती हैं, वो फटती हैं, दे क्रिएट लॉट्स ऑफ एनर्जीज विद द रिएक्शन, जो भी रिएक्शन होते हैं उन एटम्स के, उन पर्टिकुलर एलिमेंट्स के, तो न्यूक्लियर एनर्जी रिलीज करती है। तो वो न्यूक्लियर एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहीं से भी आ सकती है, आपकी विंड पावर से, सन से, न्यूक्लियर पावर से, ठीक है। इससे क्या होता है कि ये ना सारे क्या हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो होता क्या है कि जब रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं तो खुद ब खुद ही अपने आप को रिन्यू करते रहते हैं, हमें डर नहीं होता कि खत्म हो जाएंगी। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज से ही जो चीज़ खत्म नहीं हो सकती अर्थ में, उसी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाने की कोशिश करें, ताकि क्योंकि इतनी सारी पॉपुलेशन है, आपको तो पता ही है, सबको इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए। तो हम कोशिश यही करते हैं कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज से ही इलेक्ट्रिकल, बिकॉज अगर आप फॉसिल फ्यूल से बनाओगे एनर्जी तो वो कभी ना कभी फॉसिल फ्यूल्स खत्म हो ही जाएंगी, दे आर नॉन रिन्यूएबल। अगर हम ऐसी वेस्ट करते रहे और नेक्स्ट जनरेशन के लिए नहीं बचाया हमने, तो यही होगा कि आपका वो कभी ना कभी खत्म हो जाएंगे। इसलिए हमें कोशिश यही करनी थी कि जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उसी से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट कर सके, ना कि फॉसिल फ्यूल से, जो कि क्या पता एक बार वो खत्म हो जाए फिर वापस कभी ना दिखे, तो फिर नेक्स्ट जनरेशन क्या करेगी हमारी। अगर हमने नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज यूज करते रहे और फिर उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाई सबके लिए, अभी के लिए सब ठीक है, बट आगे जाके तो जनरेशन बोलेगी ना तुम इतने सेल्फिश थे कि हमारे बारे में सोचा भी नहीं। लेट्स टॉक अबाउट योर केमिकल एनर्जी। तो केमिकल एनर्जी में क्या है हमारा, केमिकल एनर्जी में आपका आता है सारे जो केमिकल रिएक्शन से हीट निकलती है उसे हम हमारे केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी होती है जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से एनर्जी निकलती है, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। सोनिक एनर्जी होती है आपकी जो साउंड एनर्जी होती है, उसको हम कहते हैं सोनिक एनर्जी। ग्रेविटेशनल एनर्जी होती है आपकी ग्रेविटी की वजह से। काइनेटिक एनर्जी होती है हमारी मोशन जो हम करते हैं उसकी वजह से। आई विल टॉक अबाउट काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, डोंट वरी, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस कम्स फ्रॉम द रेस्ट। ये स्टोरिंग पोजीशन होती है, मतलब आपकी स्टोर जब कर रहे होते हैं ना आप एनर्जी, उसे हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। और जैसे हम मोशन में आते हैं वही एनर्जी हमारी हो जाती है काइनेटिक एनर्जी, तो इसलिए मैंने वहाँ पर क्या लिखा है, मोशन। लास्ट आपका आयनाइजेशन एनर्जी। हमने एटम्स की फुल बात करी है, तो न्यूक्लियस से तो नहीं, बट इलेक्ट्रॉन जो बाहर घूम रहे होते हैं जब जाते हैं तो उनको एनर्जी चाहिए होती है, जाने में भी और आने में भी, तो वो हम कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। जब इलेक्ट्रॉन्स बाहर जाते हैं ना तो वो बन जाता है क्या, प्लस पूरा एटम से आप देखते ही हो, H+, लिथियम प्लस, सोडियम प्लस, मेटल्स में भी देखते हो, मेटल्स तो बहुत ईजिली इलेक्ट्रॉन देते हैं, H+ भी देखते हो। तो ये सब क्या है हमारे केटायंस, आयंस में। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन गया होगा तभी तो न्यूट्रलिटी हिल गई ना एटम की। पहले तो बेचारा लिथियम ऐसा था, फिर उसे जैसे ही इलेक्ट्रॉन लूज कर लिया तो उसको लिथियम प्लस बना दिया मैंने। ये भी एक एल्कली मेटल है, हल्का फुल्का मेटल, हैवी मेटल तो आपके होता है आयरन वगैरह। तो यस, जैसे ही वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला उसको एनर्जी देनी ही पड़ेगी ताकि वो इलेक्ट्रॉन निकले वहाँ से। तो वो एनर्जी कौन सी होती है आपकी, आयनाइजेशन एनर्जी। इस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। चलो लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी। सबसे जो दो मेन एनर्जी मैं अलग से बात करना चाहती थी, दैट इज पोटेंशियल एंड काइनेटिक, दैट इज पोटेंशियल एंड काइनेटिक। यस, सो फर्स्ट है आपकी पोटेंशियल। जैसे मैं अभी रेस्ट पोजीशन में मान लूं, तो रेस्ट पोजीशन में क्या है, मेरी एनर्जी अभी स्टोर हो रही है ताकि मैं बाद में खर्च कर सकूं। उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, आपकी पोटेंशियल एनर्जी। देन सेकेंड एनर्जी होती है हमारी काइनेटिक एनर्जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। यही एनर्जी जब कन्वर्ट होती है आपकी, मोशन में, अभी आप क्या थे, रेस्ट पोजीशन में स्टोर हो रही थी आपकी एनर्जी, इट वाज स्टोरिंग। तो हुआ क्या, कि पोटेंशियल, उसे हम कह रहे थे पोटेंशियल, उसी एनर्जी को हम कह रहे थे पोटेंशियल। तो पोटेंशियल एनर्जी आपकी क्या थी, स्टोर हो रही थी, मतलब एनर्जी जो आपकी स्टोर हो रही है तब कहते हैं रेस्ट पोजीशन में बेसिकली। ये किस में, रेस्ट पोजीशन में। ओके, नेक्स्ट है हमारा काइनेटिक एनर्जी। जब भी हम मोशन में होते हैं वही एनर्जी जब मोशन में आ जाता है, हम जैसे अभी मैं रेस्ट में हूँ, अभी मेरी पोटेंशियल एनर्जी है, जैसे मैं भागने लगूंगी तो मैं मोशन में आ जाऊंगी। सो इट मींस उसे हम कहते हैं काइनेटिक, का मतलब ही मोशन होता है। तो वो अब वही एनर्जी मेरी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो गई किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। तो उसी एनर्जी की बात कर रही हूँ, बस नाम अलग अलग है डिफरेंट सिचुएशन के हिसाब से। तो जब आप रेस्ट में होगे तो वही एनर्जी को पोटेंशियल कहा जाता है, और जब आप मोशन में हो जाओगे एकदम से उसी एनर्जी को हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, उसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन के ई एंड पीई, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अगर किसी ने अनअकैडमी इंस्टॉल नहीं किया सो दे कैन गो टू द प्ले स्टोर एंड इंस्टॉल अनअकैडमी ऐप। यू विल फाइंड टू काइंड्स ऑफ सब्सक्रिप्शन, वन इज प्लस सब्सक्रिप्शन बेनिफिट जिसमें आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स मिलते हैं, उनकी लाइव क्लासेस मिलती है, लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस एंड ऑल्सो लाइव टेस्ट एंड क्विजेस मिलते हैं, और स्ट्रक्चर कोर्सेज मिलते हैं, सारे आपको सब्जेक्ट्स अवेलेबल होते हैं जिस भी क्लास में आप जाओ, एंड ऑल द पीडीएफ्स आर देयर। यू जस्ट हैव टू यूज माय कोड टू गेट 10% डिस्काउंट ऑन द सब्सक्रिप्शन। ऑल्सो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, आपको कुछ डिफरेंट क्या मिलेगा, प्लस सब्सक्रिप्शन बेनिफिट्स के साथ साथ आपको एक पर्सनल मेंटोर मिलता है 24/7 एंड लाइव डाउट सोल्यूशन। तो आइकॉनिक में आपको प्लस के साथ साथ मिलता है पर्सनल मेंटोर 24/7 एंड लाइव डाउट सोल्यूशन, राइट। These are the benefits you get in iconic subscription. Okay, in iconic subscription. And also, जिस भी क्लास में आप हो, आप जितने भी महीने का लेना चाहो, ठीक है, जितने भी महीने का लेना चाहो, like for example 12 months, तो आप कुछ नहीं करना, 12 months का आपको discount मिल जाएगा 13,500 if you use the code. These prices vary a lot, तो बस आपको जो भी प्राइस हो 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा मेरा कोड यूज करते हैं, फ्रॉम 6 to 12, राइट। ओके, एंड ऑल्सो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको क्या मिलेगा, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको क्योंकि ज्यादा बेनिफिट्स है तो प्राइस आपको अलग दिखेंगे, बट यू हैव मोर बेनिफिट्स, बट स्टिल यू गेट 10% डिस्काउंट बाई यूजिंग द कोड। दिस इज द कोड SMRAN, जैसे आप टू अप्लाई यहाँ पर, तो आपको खुद ब खुद चेंजेस आ जाएंगे। एंड ऑल्सो दे आर फ्री स्पेशल क्लासेस गोइंग ऑन, यू जस्ट हैव टू यूज अ कोड टू अनलॉक इट, बाकी आपका ये सब फ्री है। स्पेशल क्लासेस एंड टेस्ट सीरीज, गो टू द ऐप एंड यू विल फाइंड आउट व्हाई आई एम सेइंग प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन क्यों इतना अच्छा है, राइट। ओके, अच्छा, अब नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग मैम स्क्रीम क्यों लिखा है। स्क्रीम इसलिए लिखा है आपका बिकॉज मैं आपको एनर्जीज के बारे में पढ़ाने वाली हूँ। ये इन सारे लेटर्स का कुछ ना कुछ मीनिंग है। लेट्स सी क्या मीनिंग है, खोलते हैं। एस से जो मैं स्क्रीम बोल रही थी आपको, नहीं चिल्लाना नहीं है, एस का मतलब होता है साउंड एनर्जी। यस, लेट मी यूज एन हाईलाइटर। इट इज प्रोड्यूस व्हेन एनी ऑब्जेक्ट इज मेड टू वाइब्रेट। तो ये तब प्रोड्यूस होता है जब एनी ऑब्जेक्ट इज मेड टू वाइब्रेट। जब भी आपका कोई भी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तब आपको क्या निकलती है, साउंड एनर्जी, तब आपको निकलती है आपकी साउंड एनर्जी। तो ये एस तो हो गया हमारा क्या, साउंड एनर्जी। तो साउंड एनर्जी ट्रेवल्स, अब हम सबको पता है साउंड एनर्जी को मीडियम चाहिए होता है, क्योंकि जब तक पार्टिकल्स वाइब्रेट नहीं करेंगे किसी मीडियम के तब तक साउंड एनर्जी एक एंड से दूसरे एंड तक नहीं जाती। तो इन स्पेस या कहीं पर भी जहाँ पर वैक्यूम है, जहाँ पर कोई मीडियम नहीं है, कोई पार्टिकल्स नहीं है, तो साउंड एनर्जी नहीं ट्रैवल करेगी। लाइक फॉर एग्जांपल इन मून, मून में अगर कोई एटमॉस्फेयर या एयर, हवा भी नहीं है, हवा एक मीडियम की तरह ही एक्ट करती है, उसके पार्टिकल्स वाइब्रेट करती है साउंड, तो एक एंड से दूसरे एंड तक पहुँचता है। लाइक सबसे ज़्यादा सॉलिड में जाता है, फिर लिक्विड में, और फिर हवा में। आई नो, बट हवा ठीक ठाक है, नॉट हवा गैस। अच्छा ये क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत क्लोज होते हैं ना, तो यहाँ से यहाँ जाने में बहुत ईजी होता है साउंड एनर्जी का, बट लिक्विड्स के थोड़े दूर दूर होते हैं तो यहाँ से यहाँ जाने में थोड़ी एनर्जी लॉस हो ही जाती है। और गैसेस तो इतने दूर दूर होते हैं पार्टिकल्स के, यहाँ से यहाँ जाने में थोड़ी तकलीफ होती है। बट एयर भी तो गैस है, बिल्कुल सही वहाँ पर। मतलब ये है कि गैसेस थोड़े पुअर हैं उस हिसाब से, मीडियम के हिसाब से, पार्टिकल्स वाइब्रेट करवाने के हिसाब से, बट स्टिल कंडक्ट हो जाती है साउंड इधर से उधर। अब स्क्रीम का सी है केमिकल एनर्जी। लाइक आई सेड कि केमिकल रिएक्शन से अगर कोई गैस निकल रही है विद हीट एनर्जी तो उसे हम कहते हैं केमिकल एनर्जी। इज रियली अ फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, स्टोर हो रही होती है जो, एंड इज एनर्जी स्टोर्ड इन फूड एंड गैसोलीन केमिकल कॉम्बिनेशन। स्ट्राइकिंग अ मैच स्टिक, कंबाइनिंग द विनेगर एंड बेकिंग सोडा टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस, या ब्रेकिंग द लाइट स्टिक्स रिलीजेज द केमिकल एनर्जी। इन सब में केमिकल एनर्जी निकल जाती है। जहाँ आप हाथ का वर्क भी कर रहे हो, मैकेनिकल वर्क भी कर रहे हो, स्टिल एनर्जीज निकल सकती है अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है छोटी चीज में, लाइक बर्निंग अ मैचस्टिक और एनीथिंग, राइट, और यू नो इवॉल्विंग द कार्बन डाइऑक्साइड गैस टू बेकिंग सोडा। तो अब हमारा विनेगर एंड बेकिंग सोडा के बाद अब मैं बात करने वाली हूँ स्क्रीम में रेडियंट एनर्जी। नाउ वी आर एट दिस आर पे। तो रेडियंट एनर्जी आपको रेडिएशन से समझ आ रहा होगा, इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हीट एंड लाइट। आपको पता है सन से आपकी लाइट भी आती है, हीट भी आती है, तो इट इज नोन एज रेडिएशन एंड दिस एनर्जी इज नोन एज रेडिएंट एनर्जी। एज अ जर्नल वर्ड है, ठीक है, कोई भी लाइट हीट देगा तो उसे हम कहेंगे कि वो रेडिएंट एनर्जी शो कर रहा है। तो लाइक साउंड एनर्जी ट्रेवल्स आउट इन ऑल डायरेक्शन इन वेव्स, ऐसे ही आपकी लाइट एनर्जी भी सारी फैल जाती है जैसे आपकी साउंड फैलती है, ठीक है। तो एक लाइट बल्ब जो हीट और लाइट देता है आपको, ग्लोइंग कुछ भी ग्लो कर रहा है तो वो आपको लाइट तो देता है, साथ में हीट भी निकलती है। मोस्टली आपने देखा होगा जो भी ल्यूमिनस बॉडीज होती है, जो भी आपको लाइट देती है वो मोस्टली हॉट होती है, लाइक सन या टॉर्च जलाओगे तो वो तो चलो आर्टिफिशियल हो गया, बट एनीथिंग आर्टिफिशियल चीज़ों की अगर मैं बात ना करूं, बट इफ आई टॉक अबाउट योर लाइट, तो लाइट देते देते हीट तो हो ही जाता है। बस जुगनू है एक जो आपको हीट बॉडी नहीं लगती, हीटेड बॉडी नहीं होती, ठीक है, वो लाइट देता है बट आपको हीट नहीं आती हुई दिखती। बट इफ आई टॉक अबाउट कैंडल और एनीथिंग, अगर वो हीट दे रहा है तो अगर वो लाइट दे रहा है तो साथ साथ हीट एनर्जी निकलेगी, दैट इज कॉल्ड रेडिएंट एनर्जी। अब स्क्रीम में से कितने हो चुके हैं हमारे? लेट्स टॉक अबाउट योर ई। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपकी होती है, आपको इलेक्ट्रिसिटी पता ही है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हमारी क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रॉन्स आते कहाँ हैं? उन एटम में से जिस चीज का वो मटेरियल होता है बना हुआ। लाइक फॉर सपोज इफ आई टॉक अबाउट दिस इज द कॉपर वायर, नॉट दिस, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द कॉपर वायर मान लेते हैं, एंड ये कॉपर एटम से बना होगा। तो कॉपर एटम्स को जब मैं कुछ हीट कुछ मिलेगा, सोर्स मिलेगा इलेक्ट्रिसिटी चलवाने के लिए, तो ये इलेक्ट्रॉन्स एटम्स अगर ये देने को रेडी होगा, कॉपर एटम इलेक्ट्रॉन निकालने को रेडी होगा, तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और वो फ्लो करने लगेंगे जिसकी वजह से आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। So we mostly see electrical energy in batteries from the outlets in our homes. Electrical energy lights our homes, run motors, makers our TVs and radio works. And examples are CD players, TV and video games. ठीक है? अब बात करते हैं स्क्रीम में से ए की। एटॉमिक एनर्जी आपके एटम से ही आती है, when they combine or they, you know, fission और fusion में mostly. Fusion is this and fission is तोड़ना. So tremendous amount of energy released when this happens, and atomic bombs, nuclear power plants, nuclear submarines and suns are there. So these are atomic energy. Atomic bombs आपने सुना होगा. Now they are banned. Nuclear power plants हमारे electricity generate करवाने के लिए we can use nuclear energy to, so that they can it can be converted into electrical energy. आपकी nuclear energy convert हो जाती है electrical energy में, ठीक है? And mechanical अब last है हमारा M. So is moving energy. It is the form that we most see around. All the moving objects shows produces mechanical energy. If I am moving this, mechanical energy. If I move this, mechanical energy. That is all your rolling bicycle, moving gears, car. सब जो move करती है, they are all mechanical energy. ठीक है? Last topic is our types of forces. Our last topic is types of forces. Yes. Give me 1 minute. Okay. Types of forces. कॉन्टैक्ट फोर्सेज होता है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज होता है. हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है कि कॉन्टैक्ट फोर्सेज होती है जिनको दो सरफेस को टच करना पड़े तब जाके वो फोर्स आती है. लाइक फ्रिक्शन, अगर आप देखो फ्रिक्शन इज इंटरलॉकिंग बिटवीन द टू सर्फेसेस, जिसकी वजह से वो मूवमेंट रोक देती है हमारी. लाइक रफ रोड में इट्स बेटर चलना सही लगता है थोड़ा सा, बट अगर स्लिपरी रोड होगी तो हम नहीं चल पाते ढंग से, बिकॉज हमारे ग्रिप या शूज जो भी हमने पहन रखे हैं उस सरफेस के साथ इंटरलॉकिंग ढंग से नहीं कर पाते, तो ग्रिप नहीं बनती. तो स्लिपरी और टाइल्स वाइल्स फ्लोर्स में आपने देखा होगा, और स्पेशली अगर कोई पानी डाल दे उसके ऊपर, बिल्कुल इंटरलॉकिंग जो गड्ढे होते हैं सरफेस के वो बिल्कुल बंद हो जाते हैं पानी भरने की वजह से या जो भी है. तो आप इंटरलॉकिंग नहीं कर पाते, आप इंटरलॉकिंग नहीं कर पाते. तो दिस मीन्स कि आपकी जो इंटरलॉकिंग नहीं हो पा रही वो फ्रिक्शन कम हो गया वहाँ पर, और फ्रिक्शन वहाँ ज्यादा होगा जहाँ पर इंटरलॉकिंग ज्यादा हो पा रही होगी, जहाँ पर मूवमेंट रुक पा रही होगी. दैट इज योर फ्रिक्शन, वो कॉन्टैक्ट की वजह से. अब अगर मैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस की बात करूंगी, दैट फोर्स इज समथिंग जो सीधे दूर से अट्रैक्ट या रिपेल कर दे. लाइक योर मैग्नेट्स दूर से ही आपके रिपेल कर देते हैं अगर वो सेम टाइप के होंगे पोल्स, और अगर वो ऑपोजिट पोल्स होंगे तो दूर से अट्रैक्शन फील होने लगती है. चाहे आपने छोटे मैग्नेट्स भी देखे होंगे, एक डिस्टेंस अगर छोटे मैग्नेट्स होंगे तो कम फील होती है उनकी मैग्नेटिक फील्ड, थोड़ा क्लोज लाने के बाद ही फील होता है. बट अगर बहुत बड़े बड़े मैग्नेट्स होंगे ना तो उनकी मैग्नेटिक फील्ड भी बहुत बड़ी होती है. मैग्नेटिक फील्ड का मतलब अगर फील्ड के अंदर कोई एंटर हो जाता है तो उनकी फोर्स फील करने लगता है कोई भी. जितने बड़े मैग्नेट्स उतनी बड़ी फील्ड, और उतना ही आपको जल्दी कम दूर वाले डिस्टेंस में फील होने लग जाएगा कोई चीज़ खींच रही है. दोनों के दोनों तो दूर में इतनी जितना उनका बड़ा साइज होगा उतना उनकी फील्ड होगी इतनी बड़ी, ठीक है. और उस फील्ड में अगर आप किसी और मैग्नेट या कोई आयरन मटेरियल कोई मेटल ले आते हो तो वैसे ही वो बहुत दूर से अट्रैक्ट होने लग जाते हैं कि फील्ड इतनी बड़ी थी, वो खिंचा. और उसकी फील्ड जितनी बड़ी होगी और उस फील्ड में कोई एंटर करेगा तो वो फटाफट खींच लेता है. आपको इतना सा मैग्नेट है, उसकी फील्ड मान लो इतनी सी है, और कोई इतना दूर रख दिया आपने वो मेटल, तब आपको अट्रैक्शन फील नहीं होगी. तब अगर आपको क्लोज लाना पड़ेगा तब जाके आपको फील होगा कि बिना टच करे कोई फोर्स फील हो रही है. और अगर मान लो इतना बड़ा मैग्नेट है और उसकी इतनी बड़ी फील्ड है, राइट, तो आप अगर उसका थोड़ा सा भी डिस्टेंस इधर लाओगे ना वो फील्ड के अंदर एंटर हो जाएगा और आपको फील होने लग जाएगा अट्रैक्शन. सेम इज इलेक्ट्रिकल एंड ग्रेविटेशन फोर्स. दिस इज डन वर्क एंड फोर्स एंड energy, types of energy. I hope you understood everything. Thank you so much for joining my session, and do not forget to use this code, right? Thank you so much. Bye, and please take care.